मनीष जी, बड़ा एक फिल्मी सीन था। आप आ रहे थे, बारिश हो रही थी, कार्यकर्ताओं में जोश था। आपके जो समर्थक हैं वो खुश हैं, वो कह रहे हैं कि जेल के ताले टूट गए लेकिन पार्टी नहीं तोड़ पाए। यही आम आदमी पार्टी की ताकत है। एक ऐसे दौर में जब किसी भी राज्य में किसी नेता के ऊपर आरोप लगते हैं या किसी पॉलिटिकल टीम के ऊपर आरोप लगते हैं तो ना सिर्फ पार्टियां टूट रही हैं, पार्टियां चरमरा गईं, सरकारें गिर गईं। वैसे दौर में जब मैं बाहर आया 17 महीने बाद जेल में रहने के बाद, तो मैं फील कर रहा था गर्व इस बात पर कि मेरी पार्टी का कार्यकर्ता, मेरी पार्टी का नेता अपने लीडर के साथ, अपने कॉज के साथ एकजुट होकर खड़ा है। और उसमें भी फख्र की बात है कि सरकार पूरी तरह से एकजुट होकर खड़ी है और सरकार काम कर रही है, सरकार डिलीवर कर रही है। तो ये बहुत गर्व की बात थी मेरे लिए जब मैं बाहर आया। तो बाहर आने का जोश, एकजुट होने का जोश, ना टूटने का जोश आप देख ही रहे हैं, बहुत कई गुना। आपके जेल के अनुभव के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस देश में जो भी बड़े नेता जेल के अंदर गए हैं और फिर उन्होंने वहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन किया है वो अपने आप में एक बहुत कहा जाता है बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। आपका संघर्ष कैसा था, क्या दिनचर्या थी जेल में, कब ये सिंकिन हुआ कि बस अब बहुत हो गया है? नहीं देखिए, मैं बाहर था जेल से पहले तो रोज स्कूल जाता था, टीचर्स के साथ बात करता था, अपनी टीम के साथ बैठ के। मेरी दिनचर्या ये थी कि मैं अगले 10 साल 5 साल में स्कूल एजुकेशन कहाँ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के दौर में एजुकेशन में अब कहाँ क्या बदलाव करना, इन सब पर रोज चिंतन होता था। अचानक एक कट ऑफ हुआ और मैं उस सारी दिनचर्या से हटके जेल में था। तो बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि अचानक एक इतना बड़ा ट्रांजिशन हो गया। तो मेरे सामने ये था कि वो सारे सपने, वो सारी चर्चाएं जिन पे मैं काम कर रहा था, उनका मैं क्या करूं। तो मेरे पास खूब किताबें थी, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया। फिर भी हम सब इंसान भी हैं, मेरा भी परिवार है, वाइफ है, बेटा है, ये सारे बहुत सारे लोग जो प्यार करते हैं पार्टी में हैं, अलग अलग लोग हैं स्कूल में, इतने सारे बच्चे टीचर्स प्यार करते रहे, हमारे भी फीलिंग्स हैं। सिर्फ 5 मिनट बोलने का, हाँ, बात करने का वक्त, कहीं कहीं लो फील करता था। लेकिन उस दौरान यही मन में आता था कि यार अब ये तो सत्य है कि मैं जेल में हूं और इस सत्य को मैं स्वीकार करके इस समय का सदुपयोग करूं या इस उहापोह में रहूं कि मैं जेल क्यों आ गया, मैं जेल क्यों आ गया, मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो काम कर रहा था, मेरे साथ क्यों गया। तो मैंने उस क्वेश्चन को किनारे कर दिया। मैंने लगभग शुरू के 4-6 दिन 10 दिन मेरे अंदर ये क्वेश्चन गूंजा कि मैं जेल में क्यों आ गया, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। फिर मैंने कहा अब छोड़ो इसको, ये सत्य है कि मैं जेल में हूं, अब इस समय का सदुपयोग मैं पढ़ने में कर सकता हूं, मेडिटेशन में कर सकता हूं, अपने जैसे आपने कहा जेल के जीवन पे, अपने जीवन पे, अपनी सोच पे नोट्स बनाने में कर सकता हूं। जो बनाया आपने कुछ नोट्स? खूब नोट्स बनाए मैंने वहां पे, जेल में कैंटीन शब्द हम यूज करते हैं, शॉप टाइप की है, वहां पे नोटबुक मिलती है, तो मैंने 10-15 नोटबुक खरीद के वो सब भर डाली है। और वो नॉर्मल लाइफ में हम लोग रहते हैं, मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस में, कि नॉर्मल लाइफ में रहते हैं तो हमारी जेब में रखे हुए पेन की लाइफ हमको पता नहीं होती है, हम कहीं छोड़ देते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर हर एक पे काम। हाँ नहीं, पेन का भी हमारे जेब में, आज एक पेन है वो कल यहाँ रख दूंगा, कल कोई और उठा लेगा, परिवारों में बच्चा ले लेगा, दोस्तों के बीच बट जाता है पेन। लेकिन मैंने अपने कम से कम 10 पेन खत्म होते हुए देखे हैं, लिखते लिखते। तो वो एक अलग तरीके का अनुभव था कि आप जिस पेन से लिखना शुरू कर रहे हैं रेनॉल्ड के, उसको धीरे 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 घिसते हुए देख रहे हैं और लास्ट में लास्ट वर्ड लिखते हुए फिर कहते हैं भाई अब ये खत्म हो गया, अब दूसरा पेन यूज करते हैं। तो मैंने काफी लिखा अंदर, नोट्स बहुत बनाए अंदर। जेल ने मनीष सिसोदिया को क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया, पर सबसे बड़ी चीज जो मैं समझता हूँ जेल हर आदमी को सिखा सकती है, वो चाहे किसी भी कारण से जेल में जाए, वो है धैर्य। हम अपनी लाइफ में इम्पेशेंट होते चले जा रहे हैं फॉर बहुत सारे रीजन्स हैं उसके, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, पढ़ाई लिखाई ऐसी हो गई है, जनजीवन टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है, लेकिन जेल आपको धैर्य सिखाती है और जेल आपको सिखाती है कि आप ये ना सोचें कि हर चीज़ अभी हो जाएगी, हर चीज़ मोबाइल की स्पीड से हो जाएगी, जिंदगी है, जिंदगी धीरे धीरे चलती है। और दूसरा, रिश्ते, आपके पद, प्रतिष्ठा, काम, इवन अचीवमेंट्स, वो ना एक समय के बाद में सब छोटी लगने लगती हैं, उनकी मतलब उनकी ज़रूरत है कि नहीं है वो भी लगने लगता है, लगता है यार रिश्ते हैं सब कुछ, रिश्ते मिल जाएं बाकी सब चीज़ें भाड़ में जाएं।
रिश्ते मिल जाएं, तो परिवार, रिश्ते, इन सब की बहुत अहमियत समझ में आती है। सतीन जैन जी की तबीयत खराब थी, आपकी मुलाकात हुई जेल में उनसे? नहीं नहीं, जेल में अलग अलग जेल में हैं, तो वहाँ आपस में जेल डोंट टॉक टू ईच अदर। अच्छा। लोग भी, ऑफिसर्स भी, कैदी भी आपस में बात नहीं करते, बहुत फेंस्ड एरिया है, तो सब अलग अलग लोग हैं। जी, जो हालात बने उसे लगा कि आपके विरोधी कह रहे हो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपकी और केजरीवाल जी की दोस्ती देखकर लगा तोड़ेंगे दम मगर लेकिन साथ ना छोड़ेंगे। नहीं, तोड़ने की उनकी बहुत कोशिशें थी शुरू से, जब से मेरे घर पहली सीबीआई रेड की और मुझे कहा गया कि अब सीबीआई के बाद ईडी का नंबर है, और आप तो जानते हो ईडी में कोई गिरफ्तार होता है तो फिर बचता नहीं है, जेल से निकलना आसान नहीं होता है। उस दौरान से लेके और आगे तक मुझे बहुत बार ऐसा हुआ कि तोड़ने के लिए जो भी वो प्रयास कर सकते थे, उनकी सोच है, मैं कई बार हंसता हूँ उनकी सोच पे कि उनको लगता है यार राजनीति की एक ही समझ हमको रह गई है कि राजनीति में आदमी बहुत स्वार्थी होता है, महत्वाकांक्षी होता है, राजनीति में संबंध भी माने रखते हैं, राजनीति में अपनी सोच भी माने रखती है। कोई ये मानने को तैयार नहीं था जब मुझसे ऐसे लोग बात करते थे। ऐसे ही मैंने अपनी पत्नी को बोला एक दिन कि यार ये सब करते हैं, पत्नी मेरी परेशान थी, आपने अभी जिक्र किया, दिन में केवल 5 मिनट फ़ोन पर बात करने का अलाउड था, मतलब 5 मिनट, 1 सेकंड भी बात नहीं होती थी, 5 मिनट में कट। तो एक दिन मैं उसको बोल रहा था कि इस तरह से चीज़ें हैं, अगर इनकी बात मान ली जाए या ऐसे तोड़ने के जाल में आ जाओ तो फिर मैं अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैंने ऐसा अपनी पत्नी को बोला कि इतने सारे लोग इतने स्वार्थ निस्वार्थ होकर काम कर रहे हैं, तो मैं अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाऊंगा अगर मैं ऐसा सोचता भी हूँ। मेरी बीमार पत्नी जो चाहती थी कि मेरा पति आज की जगह, मतलब बेटर यस्टरडे देन टुडे घर आ जाए, वो भी मेरे को बोलती है कि कार्यकर्ताओं को तो छोड़ दो, अगर तुम ऐसा सोचोगे भी तो मेरे को क्या मुंह दिखाओगे। तो उसके बाद मुझे लगा मुझे तो चिंता ही नहीं है, फिर छोड़ो, मतलब मैं फिर सोचना तो छोड़ दो, बात ही अलग खत्म हो गई, मेरे वहाँ फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये ताकत है। उनसे भी मुलाकात नहीं हुई, हो पाई होगी ना अरविंद जी से? नहीं नहीं, अरविंद जी से तो मेरी 26 फरवरी को मुझे अरेस्ट किया था 2023 में, 25 फरवरी को उनके घर पे मुलाकात हुई थी। उसके बाद एक वो मोमेंट हम दिखाना चाहेंगे जब आपकी उनकी फैमिली से मुलाकात हुई जेल से निकलने के बाद, दिखाइए जरा, और मैं चाहूंगा उस पर आप जरा मुझे बताएं कि वो इमोशन क्या था। एक बार दिखाइए वो मोमेंट हमारे सामने स्क्रीन पर, वो विजुअल हम आपके सामने प्ले कर रहे हैं, और आपकी वो मोमेंट को प्ले करते रहिए। देखिए ये मोमेंट जरा बताइए हमें मनीष जी। मेरे लिए अरविंद जी के फादर मदर मेरे ही फादर मदर के समान है, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जब राजनीति में भी नहीं थे, मैं पत्रकारिता में था, वो IRS ऑफिसर थे, उस समय से मेरे अंकल आंटी से, भाभी से पर्सनल संबंध हैं। हम लोग परिवार पहले बने हैं, राजनीति में बाद में आए। तो अंकल आंटी से मिलना और इतने लंबे समय के बाद मिलना, फिर इतने कष्ट उनको देखने पड़े, तो बहुत पर्सनल मोमेंट था मेरे लिए। भाभी से इस तरह से आके मिलना 1.5-2 साल बाद, मुझे लगता है 25-30 साल की दोस्ती में पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं 1.5 साल तक अंकल आंटी से, भाभी से नहीं मिला, बाकी पॉलिटिकल वो छोड़ दीजिए। तो वो जो मोमेंट था अपनों से मिलना, गले लगाना, मिलना, उसको सच बताऊं तो शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है, वो दिल से ही है बस जो कुछ है। अब बात करते हैं जो आपके ऑपोजिशन में कहा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ जमानत मिली है, आप बरी नहीं हुए। देखिए, खुश और दुखी की बात नहीं है, हम तो day 1 से कॉन्फिडेंट हैं, जब हमने कुछ गलत किया नहीं तो हमारा विश्वास टूटा नहीं। हम खुश भी होंगे, हम दुखी भी होंगे, लेकिन इस पूरे केस में खुश और दुखी होने का हमारे लिए कोई सवाल ही नहीं है। हमको पहले से पता था आप झूठ बोल रहे हो, हमको पहले से पता था आप षड्यंत्र रच रहे हैं, तो अब आपके षड्यंत्र हैं, आपके षड्यंत्र फेल होंगे। और आपका कुल मिला के षड्यंत्र ये था कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को किसी तरह से दिल्ली के चुनाव तक जेल के अंदर रखिए, आपका वो षड्यंत्र फेल हो गया। आपने ऐसे ऐसे कानून लगाए, ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर, ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं, ताकि बेल ना मिल सके, सिर्फ इसलिए, सबूत नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, बस बेल ना मिल सके इसलिए ऐसी ऐसी धाराएं लगाई, लेकिन आपके वो षड्यंत्र फेल हो गए, तो खुशी तो होगी होगी। अब मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस साल 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। क्या थी वो टिप्पणी, जरा देखिए ध्यान से।
मनीष सिसोदिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा, कैश बरामद ना होने का मतलब ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सिसोदिया मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए हैं, वो काफी शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मनीष सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बड़ा धोखा है, ये केस शक्तियों के दुरुपयोग जनता के भरोसे को तोड़ने वाला। आपकी इस पर टिप्पणी। नहीं, माननीय हाईकोर्ट इस देश की संवैधानिक संस्था है, वो जो भी कहेंगे उसका हम सम्मान करते हुए कहते हैं कि मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हो सकता। वो बेल की सुनवाई कर रहे थे, वो मामले का ट्रायल तो कर ही नहीं रहे थे। इसमें जो कुछ भी होगा वो ट्रायल कोर्ट में होगा, सारे सबूत जो कुछ भी इन्होंने बयान के रूप में कहे हैं, उन बयानों के जवाब में मुझे क्या कहना है वो सब, और वो उनका झूठ कैसे हैं वो सब मुझे ट्रायल कोर्ट के सामने रखना है। अभी तो बेल के लिए गए थे हम कि साहब बहुत समय हो गया, देश में कहा जाता है बेल इज द रूल, संविधान कहता है कि भाई किसी भी आदमी को ज़्यादा समय तक आप अननेसेसरी अंडर ट्रायल में नहीं रख सकते, तो उसके तहत हम उनसे न्याय मांगने गए थे। वहाँ से नहीं मिला तो हमें खुशी है कि उसको खारिज करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया। तो बस न्याय की प्रक्रिया ये है कि अगर आपको यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से मिला। तो ये टिप्पणी करते हुए मैं समझता हूँ कि हाईकोर्ट ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, बट ठीक उसी क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ठीक है मनीष जी, एक चीज़ है जो हर एक के मन में एक सवाल है। आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार आरोप लगाया गया कि जेल में अरविंद जी का ध्यान नहीं रखा गया, यह भी आरोप लगाया गया कि कभी उनको इंसुलिन नहीं दी जा रही है, खाने पीने का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश की जा रही है। ये बातें आप तक भी पहुंचती होंगी। मैं भी टीवी में देखता था, मुझे आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। देखिए हर व्यक्ति की अपनी एक शारीरिक स्थिति होती है। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे शुगर जैसी बीमारी नहीं है या मुझे कोई ऐसी कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मैं कहूँ कि मुझे जेल में ये विशेष इस बीमारी के नाते मुझे ये सुविधा या ये ध्यान रखने की चीज़ चाहिए। अब ये कुछ संयोग है कि अरविंद केजरीवाल जी को शुगर की बीमारी है, और शुगर ऐसी बीमारी है जो बीमारियों की माँ कही जाती है, बीमारियों की बीमारी, मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। तो अगर बीमारियों की बीमारी पे हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर उस आदमी को कुछ भी हो सकता है, और ये जानते हुए भी कि वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, सबको पता है कि वो शुगर के बीमार हैं, अगर आप उनको इंसुलिन नहीं देंगे, उनका जो प्रॉपर केयर, एक शुगर छोड़ दीजिए अरविंद केजरीवाल कौन है, छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री हैं, वो एक अंडर ट्रायल है, अंडर अभी तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ, कोर्ट की कस्टडी में है, ऑनरेबल कोर्ट की कस्टडी में है, कोर्ट ने जिस आदमी को कस्टडी में भेजा है आपको सजा देने के लिए नहीं भेजा, उसको आप इंसुलिन तक देने में इतना बड़ा इशू बनाएंगे कि साहब ये तो अमानवीय है। एक इंसान को इंसुलिन तो चाहिए, और आप उस इंसुलिन को भी इतना बड़ा इशू बनाएंगे, ये तो हर आदमी को मिलना चाहिए। आप एक रिक्शे वाले को उठा के ले जाओगे उसको भी मिलना चाहिए, एक चीफ मिनिस्टर को उठा के ले जाओगे उसको भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का एक मुख्यमंत्री है, इसलिए उसको आप इशू बनाओगे? ये तो शर्म की बात है। मैं एडिटर्स जो हैं उनके पास मैं आऊंगा, सबसे पहले जावेद साहब। मनीष जी, इस दौरान अरविंद जी भी जेल गए, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, आपने इस्तीफा दिया, डू यू रिग्रेट? आपको लगता है कि ये गलती हो गई, और आइंदा चल, और जब आपने 17 महीने जेल में काटे तो कभी आपके दिल दिमाग में ऐसी बात आई कि यार मैं पत्रकार था, मैं कहाँ आके इन चीज़ों में फंस गया? आपको कभी कोई प्रलोभन या कुछ ऐसे देने की या कोई डील ऑफर हुई जेल में? देखिए रिग्रेट तो मुझे कभी नहीं होता, क्योंकि मुझे डे वन से पता है, राजनीति में तो बहुत बाद में आए, मैं तो पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के, टीवी की नौकरी छोड़ के सड़क पे उतरा था लड़ने के लिए, और जब मैं सड़क पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे कानूनों के लिए, इन सब के लिए उतरा था, तो ये सपने बिल्कुल नहीं थे कि कोई मुझे रेड कारपेट वेलकम दे के सर आंखों पे बिठा के रखेगा। लड़ने के लिए उतरे हैं, लड़ने के लिए उतरना तो वो मानसिकता फिर आपको लानी पड़ेगी। तो उसी क्रम में राजनीति में आ गए, तो ना राजनीति में आने का कोई अफसोस है, गर्व है बल्कि कि भगवान ने, देश की जनता ने इतना भरोसा किया कि राजनीति में आके कुछ पदों पर काम करने की जिम्मेदारी दी, तो इस बात का गर्व है कि हमने ये कर दिया, स्कूल ठीक किए, अस्पतालों में काम किया, तो इस पर गर्व है, कहीं से कोई रिग्रेट नहीं है। आपने इस्तीफे का जिक्र किया, अगर आप
प्रैक्टिकली देखें गवर्नेंस में, किसी मंत्री के इस्तीफा देने से सरकार नहीं गिरती है। इतनी सारी सरकारें, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, अगर मंत्री को इस्तीफा देता है तो सरकार नहीं गिरती है। उसका काम दूसरे मंत्री को दिया जा सकता है या उसकी जगह दूसरा मंत्री लाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा देता है तो सरकार ही गिर जाती है, सरकार बदल जाती है। ये एक टेक्निकल फर्क है मेरे और अरविंद जी के इस्तीफा देने और नहीं देने के फैसले में। मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया, एजुकेशन सहित मेरे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, उनको और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तुरंत वो जिम्मेदारी आतिशी को दे दी गई। अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई ये साजिश कर रहा है कि साहब पूरी सरकार को गिरा दो। और कैसे गिरा दो, उनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं मिल रहा, तो चलो किसी आदमी को पहले गिरफ्तार कर लेते हैं, 5-6 महीने पहले उसको जेल में रखते हैं, फिर कहते हैं भाई तेरे को बेल चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक बयान भर दे दे, उस बयान भर के आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल देते हैं। अब ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दें तो एक तो दिल्ली की सरकार तो गिर ही जाती है, दूसरा सबसे बड़ा संकट जावेद जी इसमें यह है कि फिर ये एक प्रेसिडेंस बहुत अच्छा मिल जाता है केंद्र में बैठी हुई सत्ता को कि जब भी किसी विपक्ष की पार्टी की सरकार गिरानी हो तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके खिलाफ कुछ भी किसी आदमी को पकड़ो, जेल में डालो, 6 महीने बाद उसके बयान दिलवा दो, बोलो तेरे को बेल तभी देंगे जब तू उनके खिलाफ बोलेगा, उस बयान के आधार पर उठा के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो और फिर बोलो इस्तीफा दो। तो ये तो सरकार गिराने की शॉर्टकट रेसिपी बन जाती, इसलिए नहीं दिया। एक प्रेसिडेंस जो है, जो दिल्ली की जनता कई बार ये सवाल पूछती है कि एक प्रेसिडेंस तो झारखंड का भी है जहां पे अंतरिम मुख्यमंत्री आए, तो वो दिल्ली में क्यों नहीं किया जा सकता था? मैं उसका उल्टा भी पूछता हूं, अगर हेमंत सोरेन जी इस्तीफा नहीं देते, वो भी मॉडल था, क्योंकि ये मॉडल वहां से शुरू हो चुका था कि भाई किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जो केंद्र की सत्ता के विपक्ष में है उसको जेल में डालो और उसकी सरकार को गिराओ, वहां पे फिर उसके पूरे सिस्टम को अस्थिर कर दो। फिर सवाल तो ये बड़ा गंभीर है ना कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को किसी को किसी अपनी पार्टी में किसी को के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पार्टी में तो हर आदमी पे भरोसा है, पार्टी तो भरोसे, पार्टी का भरोसा आपको इस बात से साबित होगा कि अब तक कोई टूटा नहीं, एक आध किसी आदमी को छोड़ दें। लेकिन ये जो लोकतंत्र में एक प्रवाह बनता जा रहा था, पहले सरकारें गिराने का प्रवाह बना कि 4 लोगों के खिलाफ कुछ एफआईआर करो, उनके नेताओं को धमकाओ और सरकारें गिरा दो, तो पहले सरकारें गिराने का हुआ कि भाई सरकारें गिराओ, बीजेपी की सरकार बनाओ, लोगों को तोड़ो, बीजेपी की सरकार बनाओ, एक तंत्र ये चला। दूसरा तंत्र फिर ये चला कि अच्छा जो सरकारें नहीं गिर रही, जो लोग नहीं टूट रहे हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के ऊपर आरोप लगाओ और उनको जेल में डाल दो। तो लोकतंत्र में इसके खिलाफ भी तो खड़ा होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके खिलाफ देखिए, नैतिकता के दायरे में आप बहुत कुछ ला सकते हैं, लेकिन नैतिकता के दायरे में क्या उस आदमी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए जो केवल और केवल एक आदमी, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को एक बयान के आधार पर जेल में डाल रहा है? उसको भी तो नैतिकता बनती है कोई, भाई तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास कुछ था नहीं, 6-10 बार वो आदमी कह चुका है अरविंद केजरीवाल, एक मिनट, 10 बार वो आदमी कह चुका है आपने उसको पकड़ के किसी को जेल में डाला, वो कहता है साहब मेरे तो कोई लेना देना नहीं, मेरे से तो कुछ नहीं कहा, मेरे से तो कुछ नहीं मांगा, फिर आपने उसको 6 महीने जेल में रखा, फिर उसको कहा भैया बेटा बेल चाहिए ना, उस पर भी कानून वही लगाए आतंकवादियों वाले, फिर कहे बेल चाहिए ना तो तभी मिलेगी जब तू अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलेगा। तो ये जो ट्रेंड बन गया है कि भाई जनता अगर कहीं विपक्ष के मुख्यमंत्री को चुन लेगी, कभी भी, आज बीजेपी की सरकार है कल को किसी और की सरकार होगी, ये ट्रेंड बहुत खतरनाक है कि राज्यों में दूसरे की चुनी हुई, दूसरे दलों की चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए सबसे बढ़िया कानून पीएमएलए है, पीएमएलए लगाओ मुख्यमंत्री गिराओ, पीएमएलए लगाओ मुख्यमंत्री गिराओ, इस स्कीम को ब्रेक लगाना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि 6 महीने में बताइए कितनी कैबिनेट की मीटिंग हुई, कितने फैसले लिए गए। देखिए कैबिनेट की मीटिंग और फैसले अलग चीजें हैं, काम नहीं रुक रहे, टीबीआर में मंत्री के पास पावर है और अब इन्होंने जो कानून बनाया उसके हिसाब से मंत्री के बाद एलजी के पास पावर है, तो कैबिनेट के फैसले जरूरी होते हैं जब आप नई पॉलिसीज बनाते हैं, तो बहुत सारी नई पॉलिसीज भी बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो जैसे आप, मैंने कई जगह बोला हमारा काम था स्कूल बनाना, आज दिल्ली में इस सब क्राइसिस के बीच भी 20 नए स्कूल बन गए, मोहल्ला क्लिनिक चलाना, 2 करोड़ लोगों ने पिछले 1 साल में मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराया है, बिजली के बिल लोगों के बहुत जितने 0 आ रहे थे अभी भी आ रहे हैं, तो ये सारे काम, बसेस का खरीदने का काम दिल्ली में 7,700 बसेस दिल्ली की सड़कों पे हैं इस समय, और ये अपने आप में दिल्ली की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो कभी इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, इनमें से 2,000 तो ई बसेस हैं। लेकिन बारिश में इस बार दिल्ली का गवर्नेंस
हम लोगों ने देखा कैसे कोलैप्स हो रहा है। एमसीडी भी आपके पास है, मेरे पास एक सूची है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिस वक्त दिल्ली सरकार के बड़े नेता जेल में थे, दिल्ली में पानी की समस्या हुई, जल भराव की समस्या अभी सबने बारिश में भी देखी और पहले भी हुई, कोचिंग सेंटर और शेल्टर होम जैसे मामले हुए, कूड़े का पहाड़ वहीं खड़ा है, यमुना गंदी पड़ी है, अब इसका कौन जवाब देगा? मैं दूंगा। बताइए। मैं ही दूंगा प्लीज। इसके मैं दो हिस्से में जवाब दूंगा। पहला तो ये कि चलो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो जेल में है, लेकिन टीवी पे आप ही लोगों ने दिखाया, पूरे देश में किस शहर से वो विजुअल नहीं आए जो दिल्ली से आ रहे थे, और उससे खतरनाक विजुअल नहीं आए पानी से भराव से लेके और बुरी स्थिति के। तो भाई जिनके मुख्यमंत्री जेल में नहीं, अगर मुख्यमंत्री का जेल में जाना ही जल भराव का कारण बन रहा है, तो जिन राज्यों के मुख्यमंत्री जेल में नहीं है वहां तो जल भराव नहीं होना चाहिए था। गुड़गांव में नहीं जल भराव नहीं होना चाहिए था, दिल्ली के बाजू की बात कर रहा हूं मैं, नोएडा में जल भराव नहीं होना चाहिए था। तो अगर मुख्यमंत्री के जेल से ही जल भराव को जोड़ के देखना है, तो आप ये भी देखिए कि भाई गुड़गांव में क्यों भरा। अरविंद केजरीवाल तो गुड़गांव के मुख्यमंत्री नहीं है, गुड़गांव में तो उन्होंने मुख्यमंत्री भी बदल दिया था, फिर भी नहीं जल भराव ठीक हुआ। तो यहां से ये समझ में आता है कि जल भराव का और मुख्यमंत्री के जेल का दोनों का अलग अलग घटनाएं हैं। मुख्यमंत्री को राजनीतिक साजिश के तहत जेल भेजा गया, जल भराव की स्थिति नाले साफ नहीं हुए मैं मानता हूं। वो क्यों नहीं हुए? क्योंकि एलजी साहब ने दिल्ली में एक पैरेलल गवर्नेंस चला रखी है। दिल्ली के लोग चुनते हैं भाई केजरीवाल जी काम करेंगे, एलजी साहब, केंद्र सरकार ने एलजी साहब को पावर देके कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं जी चुनी हुई सरकार को पावर है, फिर भी कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे, हम ऑर्डिनेंस ला के पावर बदल देंगे। तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिल्ली में, और लोकतंत्र की जब जब जहां जहां हत्या होगी उसका नुकसान वहां फिर कुछ ना कुछ तो उठाना पड़ेगा, और ये नुकसान यहां ये है। दिल्ली की सरकार, आज भी मैं फख्र के साथ कहता हूं कि जिस तेवर के साथ में पिछले 10 साल से काम कर रही थी, इस सबसे बड़े क्राइसिस में पॉलिटिकल पार्टी के दिल्ली की सरकार ने और एकजुटता से और तेजी से और तेवर से काम किया। ठीक है, लीजिए मैम। मेरा सवाल वहां से है जहां आपने कहा ना 10 पेन आपने खत्म कर दिए तो क्या एक किताब का स्वरूप लेगा वो? नंबर वन, आपने ये भी कहा कि जेल में रह के पेशेंस आपने सीखा, तो आपने काफी सोचा होगा एज एन इंडिविजुअल पार्टी के बारे में, देश में जो हो रहा है उसके बारे में, तो क्या परिवर्तन महसूस करते हैं आप अपने में जिसका इम्पैक्ट आपकी पॉलिटिक्स पे होगा? मैम, हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, और जब जब जो जो सीखते हैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे प्रोग्रामिंग में आ जाता है कि हम फिर जब भी कुछ करेंगे तो उसमें वो यूज़ होगा ही होगा। मैं कोशिश हमेशा करता रहा, जैसे मैं बचपन से ही मुझे मेडिटेशन का मेरे परिवार ने संस्कार डाल दिए, तो उसका कहीं ना कहीं मेरे अपने काम में अपने जीवन में रिफ्लेक्शन रहता ही होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। जेल में बैठ के खूब पढ़ा, खूब मेडिटेशन किया, कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, कुछ समझ इकट्ठी की, उसका आगे जो भी मैं करूँगा पार्टी के लिए, पार्टी के एक लीडर के रूप में या इवन मेरे परिवार में, उसमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो उसकी उपयोगिता रहेगी। मेरा मतलब था जैसे स्कूल्स में आपने परिवर्तन लाए, मोबाइल क्लिनिक्स के, उस तरह के आइडियाज़ क्या हैं जो हम अभी कह रहे थे पानी जैसे जमा हो जाता है, चिकनगुनिया, डेंगू, हर साल हम लोग इससे जूझते हैं, उसका कोई एक्शन प्लान आपके मन में आए कि ये करना जरूरी है? डे टू डे गवर्नेंस तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, चाहे वो डे टू डे क्राइसिस जब आते हैं, सीजन आता है, अलग अलग सीजन आते हैं, सर्दी के समय, पॉल्यूशन के समय, गर्मी के समय, अब इस बार रिकॉर्ड 52 डिग्री टेम्परेचर रहा, तो कब क्या परिस्थिति आएगी डे टू डे गवर्नेंस में, उसके हिसाब से सरकारें क्या निर्णय लेंगी, वो मुझे लगता है ऐसे कि भाई मैं आज सिखाया हूँ और अब अगले 5 साल ऐसे काम कर लूँगा उस पर कहना मुश्किल है। पर जो जितना मैंने अध्ययन किया भारत के बारे में, दुनिया के बारे में, मैंने बहुत लोगों की किताबें जो कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी हैं, राजदीप सरदेजा जी से लेके नंदन नीलकर्णी साहब तक। आपने नीरजा जी की किताब पढ़ी थी या नहीं? मैं फ्रेंकली नहीं पढ़ पाया, मुझे पहुंची नहीं। या अरविंद जी पढ़ रहे थे, कोई बात नहीं, वो अरविंद जी पढ़ रहे थे ना। अच्छा, हाँ वो मेरे पास नहीं थी, मैंने अखबार में पढ़ा था कि अरविंद जी पढ़ रहे थे। तो बहुत सारी मैंने किताबें जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग अभी लिखी जा रही हैं, और बहुत सारी मोटी मोटी किताबें जिनको मैं राजनीति में रहते हुए पढ़ने से खोलने से डरता था कि यार इसको तो लंबा समय लगेगा पढ़ने, मेरे पास समय ही समय था, खूब पढ़ा और खूब चिंतन भी हुआ, और बार बार मुझे लगता था कि वो मेरे अपने प्रेजुडाइज भी हो सकते हैं क्योंकि मैं एजुकेशन पर काम करता हूँ, कि
जब तक हम देश के हर बच्चे को अच्छे सरकारी स्कूल खड़े करके नहीं देंगे, तब तक अगर कोई आदमी आपसे ये कहता है कि साहब मैं गिली गिली बादशाह करके आपको विकसित देश बना के दे दूंगा, झूठ बोल रहा है। जब तक कोई आदमी सरकारी, मैं कॉलेज की बात नहीं करता, कॉलेज का अपना एक योगदान है समाज में, स्कूल समाज खड़ा करता है। और अगर सरकारी स्कूल इतने खराब रहेंगे जितने हमारे देश में हैं, तब कोई आदमी टीवी पे बैठ के अगर कहे कि मैं विकसित भारत की नींव रख रहा हूं, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। कार्तिक जी, आप शिक्षा मंत्री रहे हैं, लोग युद्ध में, लड़ाई में मारे जाते हैं, ये दिल्ली इतना बदनसीब शहर निकला कि यहाँ बच्चे पढ़ाई में मर गए, पढ़ते पढ़ते मर गए, क्या बोलेंगे आप? अनफॉर्चुनेट है बहुत। वो एक नीचे की लाइब्रेरी, मतलब ये जो घटना घटी उसको पढ़ते हुए बच्चे थे वो, लेकिन वो एक्सीडेंट इसलिए हुआ, जो दुर्घटना घटी, मैं तो बहुत फील कर रहा था। ऐसे ही बच्चों से तो मैं रोज़ मिलता था कॉलेजेस में, स्कूलों में, मुझे लगा कि हो सकता है मैं इनसे मिला भी हुआ होता, दर्द महसूस कर रहा था मैं वहाँ पर बैठा हुआ। और जेल की कोठरी में छोटी सी, मैं आप टीवी के माध्यम से जो खबरें आपको पहुँचती हैं, बहुत बेचैनी महसूस होती है उन सब चीज़ों को देख के, दर्द महसूस होता है। लेकिन अगेन मैंने कहा कि दिल्ली की गवर्नेंस है, आज कहीं अनऑथराइज इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है या नाले जाम हो रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी में जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिल्ली में डेमोक्रेसी के मर्डर की वजह से है। उसको जब तक नहीं हम ठीक करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल हम दूर दूर तक नहीं चाहते कि हों, वी हैव टू फेस द चैलेंजेस। मनीष जी, अब मैं थोड़ा सा ऑन अ लाइटर नोट आपको लेके चलूंगा मेरे साथ उस वॉल पर, आप मेरे साथ आइए। टीवी को आप भली भांति समझते हैं, आप खुद टीवी जर्नलिस्ट रह चुके हैं। एक मेरे पास रैपिड फायर राउंड है, दो रैपिड फायर राउंड है। ये पहला है, पहले तो जाऊंगा मैं जोरदार तालियों से मनीष जी का, प्लीज आइए मनीष, प्लीज आइए। ये रैपिड फायर राउंड में मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, आपको एक चूज करना है। आप इस तरफ आइए, और ये बड़ा मुश्किल होता है। हाँ हाँ, इसीलिए रखा है आपके लिए। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियां हो पहले सवाल से पहले। मेरा पहला सवाल रैपिड फायर राउंड का मनीष सिसोदिया जी के लिए, आइए दिखाइए जरा, और ये हमारा सबसे वायरल सेगमेंट भी होता है, दिखाइए। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी का नंबर दो नेता कौन है? सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह या आतिशी? मैं संजय सिंह को मानता हूं। नेक्स्ट दिखाइए जरा, अगला सवाल प्ले करिए, दिखाइए। दूरदर्शी नेता कौन, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? निर्विवाद रूप से अरविंद केजरीवाल। ओके, नेक्स्ट प्ले करिए जरा, दिखाइए। बेहतर प्रशासक कौन, लालू यादव या नीतीश कुमार? मुझे तो पता नहीं, मैं लालू जी के राज्य में भी, बिहार में नहीं रहा, और नीतीश जी के भी नहीं रहा, अरविंद केजरीवाल जी को मैं जानता हूं, वो वही बेहतर प्रशासक है। आपने ऑप्शन नहीं रखा है आपकी, देखिए। अगला सवाल दिखाइए, हर सवाल पे प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगला सवाल दिखाइए जरा, बेहतर नेता कौन, कपिल मिश्रा, योगेंद्र यादव, कुमार विश्वास या प्रशांत भूषण? मुझे तो नेतृत्व वाले गुणों की चारों में कमी दिखती है। अब सबकी अपनी अपनी, लेकिन इनमें से कोई भी, अगर इनमें से कोई ऑप्शन हो तो कौन चूज करेंगे? मुझे इनमें से कोई भी नेता नहीं चाहिए, अपना नेता मैं किसी को नहीं मानता। सभी आपके साथ रह चुके, कोई एक ऑप्शन, कोई एक, मैंने कहा इनमें से सबकी कोई ना कोई ऐसी खूबी होगी जिसको मैं पसंद करता हूँ, और जिसमें आज भी आप कहोगे तो मैं पसंद कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ आपने ऊपर लिखा नेता, मुझे लगता है चारों में नेतृत्व के गुण नहीं है। और प्रशांत जी में जो जबरदस्त लॉ की योग्यता है, कुमार विश्वास में जो बोलने की जो योग्यता है और चीजों को धारा प्रवाह बोलने की, या योगेंद्र यादव जी में जो योग्यता है, वो नेतृत्व तो नहीं कह सकते, और योग्यताएं हैं। ठीक ठीक, वेल सर, जोरदार तालियां हो भाई, तालियां जोश में कभी नहीं होनी चाहिए। अगला दिखाइए जरा, हमारा दिखाइए, अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब जरा बताइएगा हमें, नेताओं को ज्यादा डर किससे लगता है, गब्बर सिंह या ईडी? ये किसी जमाने में गब्बर सिंह हुआ करते थे, आज के जमाने में ईडी हुआ करती है। ओके, पहले कहते ना मां सोती थी, कहता है बेटा गब्बर आ जाएगा, आजकल बीजेपी कहती है चंदा दे दे बेटा नहीं तो ईडी आ जाएगी। अगला सवाल दिखाइए जरा, अगला सवाल ये है, प्रधानमंत्री पद की पसंद कौन है, राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल? मैं तो चाहूंगा अरविंद केजरीवाल जी एक दिन देश के प्रधानमंत्री बने, कब बने ये अलग बात है, पर बने। आइए मनीष जी, पहले जोरदार तालियां हो, जिस तरीके से मनीष जी ने
जवाब दिए। एक सवाल मैं यहाँ पर राजेश जी से लेना चाहूंगा, हमारे एडिटर्स भी बैठे हुए हैं। राजेश जी क्विकली आपका सवाल सर। मनीष जी मेरा सवाल आपसे ये है, एक का शब्द है कोलोकियल में, हाँ जी हिंदी का कोलोकियल हिंदी में एक शब्द है बटमार। बटमार, हाँ। बटमार मतलब रास्ते में कोई अंधेरे में जा रहा है, आप झाड़ी से निकले, कूदे उसके ऊपर, उसका माल मत्ता लेके निकल गए, बटमार। हाँ झपट्टा। अरविंद केजरीवाल ने जब राजनीति शुरू की, बटमार वाली राजनीति उनके विरोधी कहते हैं, ऐसे शुरू की, मतलब आपने शीला दीक्षित के खिलाफ FIR करवाया, अंबानी के खिलाफ FIR करवाया, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें प्रशांत भूषण भी थे। अब ये किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे या ना पहुंचे आप बेहतर जानते हैं, इसी तरह की राजनीति अब आपके साथ हो रही है, बटमार पॉलिटिक्स, तो आपको क्यों इतना रंज है? नहीं, बटमार पॉलिटिक्स पर हमें कोई रंज नहीं है। इसको मानते हैं आप, अपोजिशन में आरोप प्रत्यारोप होंगे, हमेशा होंगे, कब नहीं रहे होंगे मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा समय आएगा जब 4-6 राजनीतिक पार्टियां होंगी और वो कहेंगे सब हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, आरोप प्रत्यारोप के बीच से ही राजनीति निकलेगी, इसमें बिल्कुल मना ही नहीं है। लेकिन आप रास्ते चलते किसी आदमी को उठा के जेल में डालो और फिर उसके बयान के आधार पर चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादियों और ड्रग माफिया पे लगाए जाने वाले कानून लगा के उसको जेल में डाल दो और फिर उसकी बेल भी ना होने दो। यही बात तो शीला दीक्षित, अंबानी और रॉबर्ट वाड्रा वगैरह भी कहेंगे कि रास्ते चलते आपने आरोप लगा दिए, किसी लॉजिकल आरोप तो लगाएंगे, आरोप सच्चे भी हो सकते हैं झूठे भी हो सकते हैं। झूठे लगाए? मैंने नहीं झूठे लगाए, मैं कह रहा हूं आरोप तो मेरे ऊपर भी, मुझे आरोप लगाने शिकायत नहीं है, जितने आरोप लगाओ खूब लगाओ, लेकिन ये जो कानूनों का दुरुपयोग करके, एजेंसियों का दुरुपयोग कर करके नेताओं को उठा के जेल में डाल रहे हो, भाई मेरे ऊपर आपने शराब घोटाले का आरोप लगाया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगाओ, जांच करो, जांच के बाद कोर्ट चले जाना, ट्रायल होगी, मैं जवाब दूंगा। मेरे ऊपर आपने आरोप लगाए कमरे ज्यादा बनवा दिए, गलत बनवा दिए स्कूलों में, इन्होंने मेरे कितने नेताओं के ऊपर कितने कितने आरोप लगाए, बाद में मामला कोर्ट में गया, मेरे ऊपर भी आरोप लगाए, खत्म हो गया। मेरे ऊपर एक इन्होंने आरोप लगाया, इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ, और मैंने कभी इसको बड़ा मुद्दा नहीं बनाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया साहब, मैं मंत्री था सरकार में, विज्ञापन दिए, विज्ञापन में फेसबुक को कोई हमने एडवर्टीजमेंट दिया, बोले जी बिना टेंडर के दे दिया आपने फेसबुक को एडवर्टीजमेंट। अरे भाई फेसबुक को अगर कोई ऐड देना है तो टेंडर कहाँ से होगा, एक ही कंपनी है फेसबुक या उस लेवल की एक ही उस तरह की थी। anyway, इन्होंने उसके ऊपर CBI जांच करा दी, CBI आई, मेरे घर में रेड की, मेरे दफ्तर में रेड की, सारी फाइलें उठा के ले गए, कोई बात नहीं जांच करते रहो। लेकिन उस समय भी अगर कोई विज्ञापन दिया सरकार ने एक मिनिस्टर रहते हुए, उसके बेस पर आप उसको PMLA का सेक्शन 45 लगा के उसकी बेल ना होने दो, 1.5 साल तक 2 साल तक जेल में डालो, ये गलत है। रामकृपाल जी, मनीष जी चूंकि मामला तो अभी सब जुडिस है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मेरा एक सवाल है कि ये जो आप पर लेकर के मामले में, सबसे पहले तो जहां तक मुझे ध्यान है कि कांग्रेस ने ये सवाल उठाया था, मुझे लगता है कि BJP से पहले कांग्रेस ने ये सारे आरोप लगाए थे, तो कांग्रेस तब सही थी या आज कांग्रेस आपके साथ है अब सही है, पहला तो मेरा ये है। दूसरा मेरा ये कहना था कि जब से आप लोग सत्ता में हैं, कभी आप लोगों को कुछ महसूस ऐसा हुआ है कि कहीं आपसे भी कोई गलती हुई है? क्योंकि जो आप उद्देश्य लेके चले थे एक वैकल्पिक राजनीति का, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कहीं आपको लगता है कि उससे थोड़ा डिरेलमेंट हुआ है? और तीसरी बात मैं इससे जुड़ा हुआ कहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए, एक होता है मीडिया ट्रायल, मैं आपको उदाहरण दूं, अब्दुल रहमान अंतुले को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था, अलग जेल नहीं गए थे, लेकिन एक आरोप लगा था इंदिरा गांधी प्रतिभा प्रतिष्ठान का उस दौर में 80s में, और उनको पद से हटना पड़ा, बाद में वो छूट गए, कोई कुछ नहीं शायद मीडिया में सिंगल कॉलम खबर छपी हो, लेकिन फिर वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। मदन लाल खुराना का दूसरा उदाहरण है, मुख्यमंत्री थे, पद छोड़ना पड़ा, फिर नहीं बन पाए। तो जरूरी नहीं है कि आप बाद में बेदाग साबित हो या नहीं हो, लेकिन ये जो एक कहीं ना कहीं से एक ऐसी पार्टी जो वैकल्पिक राजनीति की बात करने आई थी, आज आपको लगता है कि उस पर कहीं ना कहीं दाग लगा है? मुझे तो लगता है यही वैकल्पिक राजनीति है। वैकल्पिक राजनीति की सबकी अपने अपने समय के अलग अलग दौर की और परिस्थितिवश परिभाषाएं होंगी कि आज के दौर में विकल्प क्या है, जब मेन स्ट्रीम क्या है। किसी एक समय में मेन स्ट्रीम अलग तरह की राजनीति होती थी, उसमें वैकल्पिक अलग है। आज के समय में जिसको मेन स्ट्रीम राजनीति कह रहे हैं, वो राजनीति का मतलब है ऑपरेशन लोटस। जिस राज्य में भी चुनाव हुए, अगर हम चुनाव नहीं जीते तो उसके बाद में हम सरकारें नहीं चलने देंगे,
उसके बाद हम लोगों को काम, लोगों के काम नहीं होने देंगे, उसके बाद हम लोगों को फंसा फंसा के जेल में डालेंगे और सरकारें गिराएंगे, अगर या तो विधायकों को तोड़ के अपने यहाँ लाएंगे, नहीं तो सरकारें नहीं चलने देंगे। तो जब मेन स्ट्रीम राजनीति ये हो तो उसी का विकल्प चाहिए, और मुझे लगता है उसका विकल्प है कि फिर इस मेन स्ट्रीम के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। और हो सकता है किसी समय जब मेन स्ट्रीम में अलग धारा चल रही हो उस समय एक पूरे देश में मुख्यमंत्री पे किसी पे आरोप लगा, उसको लगा यार पूरे देश में अच्छा माहौल चल रहा है, सभी मुख्यमंत्री अपना अपना काम कर रहे हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसने इस्तीफा दे दिया। आज तो आप मुझे एक राज्य बता दो जहां विपक्ष की सरकार हो और जहां बैठा हुआ राज्यपाल अपने मुख्यमंत्रियों के काम ना रोक रहा हो या उनके उनकी सरकारें गिराने की साजिशें ना रच रहा हो। वैसे में यही विकल्प है कि इसको रोको, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा लोकतंत्र। बस एक लाइन का और सवाल है इसी में, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कार्यकर्ता आपके आपके साथ इंटैक्ट हैं, क्या आपको लगता है कि अगले इलेक्शन में जनता भी उसी तरह से आपका समर्थन करेगी जैसे कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल, देखिए जनता तो मुझे लगता है और ज़्यादा शिद्दत से करेगी, क्योंकि जनता ने ये पूरा क्राइसिस देखा है, जनता ने देखा है कि यार ये एक पार्टी है जिसके, जनता ने सिर्फ हमको ही नहीं देखा, जनता ने पूरे देश में इस वक्त देखा है कि अलग अलग पार्टियों पर जरा आरोप लगे, पार्टियाँ गिर गईं, सरकारें गिर गईं, सब एक दूसरे से भाग गए, एक दूसरे का साथ छोड़ के भाग गए, लेकिन यही पार्टी है जिसके लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, एमपी एमएलएज ने, काउंसलर्स ने साथ, ना सिर्फ साथ नहीं छोड़ा बल्कि शिद्दत के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे, इसी से जनता का भरोसा और हमारे प्रति बढ़ रहा है और काम करते रहे इससे और बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है, अब एक तरफ आप बोलते हैं जनता का भरोसा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली, मैं जानता हूं आप विधानसभा का एग्जांपल देंगे, पंजाब की अगर बात करें वहां तो आपकी सरकार है, वहां पर भी कोई बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस नहीं है, आप कह सकते हैं कि लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन दोनों राज्यों की अगर बात की जाए तो जनता का जो फेथ है वो लोकसभा में आपके ऊपर नहीं दिखाई देता। ये एक पैटर्न है 2014 से चला, क्या वजह है मनीष जी इसकी? मतलब मैं भी जेल में भी सोच रहा था तो इसको अलग से देखना पड़ेगा पूरी पार्टी को। मैंने कई बार आपको ये कहते हुए सुना है कि ये पैटर्न है, लेकिन इस पैटर्न के पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ आप वैकल्पिक राजनीति की बात कर रहे हैं, तो क्या जनता नहीं चाहती है कि कोई विकल्प हो? नहीं, लोकसभा में जनता ने हमको विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया, ये भी एक सच्चाई है। क्यों नहीं कर रही है ये हमको, और हर बार हर चुनाव में हमें स्टडी करने की जरूरत है, लेकिन वही जनता जब 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो किसी और को उस विकल्प के रूप में नहीं स्वीकार करती, ये भी सच है। तो लोकसभा में हम दिल्ली में क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जबकि पंजाब में कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें निश्चित रूप से एक पार्टी के लिए आप अंदर झांकने की जरूरत है। और आगे एक पंजाब का डेटा मुझे बताया जा रहा है यहां पर, पंजाब में सरकार फिर क्यों चूक गई आम आदमी पार्टी की? सबसे पहले लोकसभा चुनाव 2024 कुल सीटें 13, कांग्रेस 7, आम आदमी पार्टी 3, श्रोमणी अकाली दल 1, अन्य 2 यहां पर। और अगर परसेंटेज की बात की जाए, वोट शेयर की बात की जाए, दिखाइए जरा ऊपर प्लेट ऑन वोट शेयर में, ये देखिए अब आप जो हमारे सामने वोट शेयर है 42% और 26%, ये डिफरेंस आप देख रहे हैं 2022-2024 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए विधानसभा में चाहे वो पंजाब हो या दिल्ली हो, हमारे काम की वजह से, जनता के बीच कनेक्ट की वजह से, विधानसभा में पंजाब की जनता, दिल्ली की जनता हमें एक सॉलिड साथी के रूप में चुन रही है, ये आप बता रहे हैं। इसमें लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं हमारी किसी रणनीति में कहीं कोई कमी होगी, या उस पैटर्न में, क्योंकि लगातार 3 बार दिल्ली में देख रहे हैं हम, उस पैटर्न में कहीं कोई हमें हमसे समझने में चूक हो रही होगी, जो निश्चित रूप से अगले लोकसभा चुनाव से, जब भी लोकसभा चुनाव में जाएंगे उससे पहले हम इसको और नए सिरे से। कांग्रेस के साथ अलायंस का इन टर्म्स ऑफ नंबर्स जो आपका एक्सपीरियंस है वो बड़ा मिक्स है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बड़ा कंफ्यूजिंग भी है। क्या आपको विधानसभा में ये आपको अलायंस होता दिखाई देता है दिल्ली में? बहुत हर चुनाव में, हर चुनाव की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं और हर चुनाव की अपनी ज़रूरतें होती हैं। लोकसभा चुनाव की उस वक्त पूरे देश में एक ज़रूरत बनी हुई थी कि भाई किसी भी तरह से इन संविधान खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र खत्म करने वाली ताकतों को रोकना पड़ेगा, उसको कमज़ोर करने वाली ताकतों को, अहंकार को रोकना पड़ेगा। हमें नंबर नहीं मिले दिल्ली में, पंजाब में हमें मिले, पर पूरे देश के क्रम में देखें तो ये एक बड़ा यूनाइटेड फोर्स बनी, यूनाइटेड वॉइस बनी, और हमें कहीं से उसमें रिग्रेट नहीं है कि हम उसका हिस्सा बने। हो सकता है कहीं 1%, कहीं 0.5% किसी दूसरे राज्य में हमारे भी साथ आने से फर्क पड़ा होगा, और हम नहीं आए होते तो हो सकता है नहीं पड़ा होता। अब इस मंच से आप क्या जनता को ये बता सकते हैं कि दिल्ली की जो शराब नीति थी उसमें क्या वाकई कोई चूक हुई है या नहीं? नहीं, मुझे तो लगता है दिल्ली की शराब नीति
एक अच्छी शराब नीति बनाई, हर साल एक नई नीति बनती है, तो हमने भी एक किसी विशेष वर्ष में एक नई नीति बनाई और उससे दिल्ली के टैक्स को भी फायदा हुआ, दिल्ली में टैक्स बढ़ा और साथ साथ दिल्ली की जनता के ऊपर भी कोई बोझ नहीं पड़ा। कोई भी नीति के यही देखा जाता है कि वो सरकार को फ़ायदा पहुंचाएगी कि नहीं पहुंचाएगी और जनता को ऊपर कोई बोझ तो नहीं बढ़ाएगी। हमें लगता है दोनों तरफ से फ़ायदा हुआ। इससे ज़्यादा मैं इस नीति के बारे में कोई बात रखूंगा, मुझे लगता है मामला सब ट्रायल कोर्ट में आएगा, ट्रायल कोर्ट में मेरे आंसर्स फिर जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, मैं हर सवाल का जवाब दे सकता हूं, लेकिन अब मेरे केस में एक सवाल अगर आप चाहें तो उसका जवाब जरूर दीजिएगा, वरना सब जुडिस है तो मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। कुछ सवाल आपको लेकर उठ रहे हैं कि ईडी ने ईडी के 14 फोन 43 सिम कार्ड की थ्योरी दी है। इसमें बताया गया कि 5 सिम कार्ड तो आप ही के नाम पर हैं, मनीष सिसोदिया को इतने फोन और सिम कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी? प्योर झूठ है। मेरे घर से मेरे फोन सीबीआई जब्त करके ले गई, उसके बाद जब मैं ईडी की कस्टडी में था, ईडी ने मेरे पास से जो फोन मांगे वो भी मैंने उनको। शायद आपके पास अभी भी कोई नंबर नहीं है? नहीं, अभी मैंने हाल में 2 दिन पहले फोन नंबर लिया है, एक नया फोन लेके नया नंबर लिया है, वो सब उन्होंने जब्त कर रखे हैं। तो ये सब एक झूठी कहानी सुनाई गई है, बना बना के। जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता था, भाई ये तो बताओ, बोले सर ये आपको दिखा नहीं सकते, बस आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। ठीक है, फिर आप कोर्ट में बात करेंगे। ठीक है, एडिटर्स के पास में वापस आऊँ। कार्तिक, एक चीज़ बताइए, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी राजनेता भाग नहीं सकता है। अगर केजरीवाल जी को बेल नहीं मिलती है और आप भी उस वक्त उपलब्ध नहीं होते हैं कानूनी कारणों से, तो आम आदमी पार्टी किसकी अगुवाई में किस चेहरे पर चुनाव लड़ेगी दिल्ली का? देखिए, अगले पल का मतलब जीवन के बारे में फिलॉसफी है कि अगले पल का कहना गारंटी से तो कोई अगले पल की जिंदगी के बारे में भी ले सकता, पर जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो हमें साफ साफ कह रही हैं कि अरविंद जी भी अब मैटर ऑफ टाइम है, बाहर आने ही वाले हैं और पूरा दिल्ली का चुनाव हमारी तैयारी अरविंद जी के फेस पे ही लड़ेंगे हम, और मेरी जो भूमिका है वो तो हम रखेंगे ही, पार्टी के सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर नहीं आ पाए, अगर अरविंद जी नहीं आ पाए बाहर किसी कारण, अगर मैं तो फिर अगर तो बहुत कुछ हो सकते हैं, अगर तो फिर कोई लिमिट नहीं है उसकी कि अगर ये नहीं हुआ तो उस वक्त जब जो नहीं होगा उसके हिसाब से तय करेंगे। राजेश जी, एक सवाल मेरा आपकी राजनीति पे है, विचारधारा पे भी आप समझेंगे इसे। किसी भी देश की किसी भी राज्य की जो चुनी हुई सरकार है उसको तमाम लोग चुनते हैं, जैसे आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसी चुनी हुई सरकार सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ाएगी, ये आप क्यों करते हैं? क्यों आप गुरु ग्रंथ साहब का पाठ, कुरान का पाठ या बाइबल का पाठ नहीं करवाते हैं? देखिए, पढ़ाने में हम स्कूलों में तो नहीं पढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अपनी अपनी निजी पारिवारिक मान्यताएं हैं, अपने अपने फॉलोइंग है। मैं बचपन से जो पढ़ता रहा, मेरी आस्था वहीं पढ़ने में होगी। मैं जिस मंदिर में या जिस भगवान के मंदिर में बचपन से जाता रहा, मेरी अपब्रिंगिंग में जो मेरी कोडिंग में भगवान, एक सेकंड, आस्थावश में जाऊंगा तो वहीं जाऊंगा, बाकी मैं कहीं जाऊंगा तो राजनीति होगी वो। लेकिन फिर भी मेरी आस्था गुरुद्वारे में भी है, मेरी दरगाहों में भी है, मेरी हर चीज़ में, मेरी कुरान में भी है, मेरी गुरु ग्रंथ साहब में भी है, और वहाँ सब कुछ मतलब ईश्वर एक है, उसकी सारी कॉन्सेप्ट पे है। लेकिन मैं जब राजनीति करने जाऊँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, मुझे लगता है मेरी पार्टी के लोग गुरुद्वारे में भी जाते हैं, मैं अमृतसर में जाता हूँ तो गुरु ग्रंथ साहब। चुनी हुई सरकार का सवाल था, आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार था कि जिस तमाम लोगों ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने आपको वोट दिए हैं, क्यों सिर्फ हनुमान चालीसा आपकी सरकार पढ़वाई, ये सवाल था। सरकार नहीं पढ़वाती, सरकार तो सब पढ़वा रही है, सरकार तो गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़वाती है, सरकार तो जब मदीना जाते हैं लोग वहाँ उसमें भी सरकार सहयोग करती है, तो सरकार तो सब चीज़ों में मालूम है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सरकार सब में सहयोग करती है, मैं कहाँ जाता हूँ ये मेरी पारिवारिक और व्यक्तिगत आस्था है, और मैं किस मंदिर में जाता हूँ, किस गुरुद्वारे में मत्था टेकता हूँ, वो मेरी आस्था है। सिसोदिया जी, अगर आपकी इंडिया अलायंस को देखा जाए, कांग्रेस सबसे पुरानी और अनुभवी पार्टी है, आम आदमी पार्टी सबसे नई और ऊर्जावान पार्टी है, लेकिन आप दोनों पार्टियों में प्रॉब्लम है, ये रिश्ता बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कई लोग मानते हैं आप उनका विकल्प बनना चाहते हैं आगे जाके, आज तो वो स्थिति है नहीं। क्या प्रॉब्लम, मतलब इसका बेस क्या है इस प्रॉब्लम का? मैम देखिए, दो राजनीतिक, किन्हीं भी दो राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग सोच है, अलग अलग कार्य करने का अंदाज है, इसीलिए वो दो पार्टियां हैं, वरना तो एक ही होती, कोई भी दो पार्टियां होंगी, तो हम दो तो हैं ही,
मतलब आप जितनी भी पार्टियां हैं वो सब अलग अलग ही हैं, तो अब जहां जरूरत पड़ती है वहां मिलके भी लड़ लेते हैं। अब जैसे दिल्ली में प्रयोग किया गया, तो तमाम विरोधों के जो भी हमारे अलग अलग होने के फैक्टर्स हैं उसके बावजूद हम दिल्ली में मिलके लड़े, हम पंजाब में मिलके नहीं लड़े। तो कब कहां मिलके लड़ेंगे इसको ऑन द टेबल बैठ के दोनों पार्टी के लीडर तय कर सकते हैं। और दिल्ली में नहीं होने वाला, हरियाणा में नहीं होने वाला, जहां मैटर करेगा। मैं अभी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि नहीं होने वाला, और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि होने वाला है, हो सकता है। मैं कह रहा हूं दोनों पार्टी के लीडर चुनाव से पहले बैठ के बात करेंगे, और हो सकता है तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। जैसे एक ही समय में बैठ के दो राज्यों के लिए अलग अलग नीतियां, आप कह रहे हो ओपन क्वेश्चन है, ओपन क्वेश्चन है, इट्स नॉट हां भी नहीं, दोनों स्टेट्स के लिए, किसी भी चुनाव, किसी भी चुनाव के लिए। जावेद साहब, मनीष जी, आपकी पार्टी के स्टैंड को लेके काफी लोगों के दिलो दिमाग में अभी भी शक शुबा है, उनमें से एक मैं भी हूँ सर। खास तौर पे जो आप लोगों का रवैया था शुरू में, ऐसा लगा कि आप अपने को मोदी जी का राइट विंग अल्टरनेटिव पोजीशन करना चाहते, और ख़ास तौर से नई दिल्ली, ये जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट्स हुए थे उसमें जो आप लोगों ने बिल्कुल मुंह मोड़ लिया, हाथ उठा लिया, कितने लोगों पे गलत मुकदमे हुए, अब क्या आपके दिलो दिमाग में बात पोजिशन क्लियर हो गई, या अभी भी आप अपने को मोदी जी का ही ऑल्टरनेटिव, उनकी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का ऑल्टरनेटिव मानते? हम किसी एक लीडर की ऑल्टरनेटिव ना है ना होना चाहते हैं, एक बात। दूसरा, आपने दिल्ली दंगों की बात की, मैं और अरविंद केजरीवाल जी खुद लगातार ना सिर्फ दिल्ली के दंगों में वहाँ सड़कों पे थे, बल्कि शाम को बैठ के डीएम नॉर्थ ईस्ट के दफ्तर में बैठ के, जब कहीं कोई सरकारी सिस्टम अलग अलग उस पर लगे हुए थे, मैं और खुद चीफ सेक्रेटरी बैठ के वहाँ पे उस दौरान के बैठ बैठ के एसडीएम के साथ में एक एक एसडीएम से रिपोर्ट लेते थे, और वहाँ से लिस्ट बनवा के रोज दंगा पीड़ितों के लिए क्या जा रहा है और उनको कितने पैसे की मदद हो गई लिस्ट वेरीफाई करते थे, लिस्ट करते थे, नीचे पूरी पूरे सरकारी तंत्र को लगा रखा था। तो ये कहना मुझे लगता है थोड़ा सा मे बी बेस्ड ऑन सम मिस इन्फॉर्मेशन या अनइन्फॉर्म्ड स्टेटमेंट हो सकता है, कि नहीं थे भयंकर रूप से एक राज्य सरकार जिसके हाथ में पुलिस नहीं है, एसडीएम है, मैं अपने एसडीएम्स को लेकर खुद फील्ड में था लगातार, तो इसमें यह कहना तो ठीक नहीं है। देखिए, ना हम मोदी जी के उसमें हैं, हम तो जो वैक्यूम है उसकी बात कर रहे हैं। हमारा वैक्यूम है साहब, इस देश में सरकारी स्कूलों पे काम नहीं हुआ, सरकारी अस्पतालों पे काम नहीं हुआ, वो हमारे बेस का है। अब सरकारी स्कूलों में एजुकेशन का पैटर्न क्वालिटी बदलिए, पैटर्न बदलिए, देश अपने आप खड़ा होगा, ये हमारा विकल्प है। अब इसमें कहां से मोदी जी का सेंटेंस इको हो रहा है और कहां से कांग्रेस का हो रहा है, इसकी हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत जिंदगी है, हमारी टीम की जिंदगी है, मैं जिस धर्म को मानता हूँ उस पर गर्व करता हूँ, जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उस पर गर्व करता हूँ, उसकी परंपराओं पर गर्व करता हूँ, उनको बहुत सारी चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को, मुझे उस पर गर्व है। दूसरे मेरी ही पार्टी में दूसरे धर्म के मानने वाले लोग सबको करते हैं, हमारे साथ एक चीज़ है, हम दूसरे धर्म को ना छोटा मानते हैं ना गलत मानते हैं। मनीष जी, आप पार्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ दिल्ली पे राज करने के लिए तो नहीं था, जब आए थे वैकल्पिक राजनीति, तो मेरा ये कहना है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द कौन पार्टी क्या नहीं है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर मैं चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कॉमन सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन और जातीय जनगणना, ये तीन मुद्दे हैं, इस पर आप पार्टी का क्या है? सर, राष्ट्रीय मुद्दे क्या हैं और क्या नहीं है ये कैसे तय हो? नहीं, और एक एक से हाँ नहीं ठीक, और सिर्फ क्या ही हैं? नहीं, चूंकि मैं एक सेकंड संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में आर्टिकल 44, और इस देश की अदालतें भी कई बार कह चुकी हैं कि देयर मस्ट बी ए कॉमन सिविल कोड, और हमारे संविधान निर्माताओं ने जब उस समय नहीं हो सकता था तो ये दिया था कि ये होना चाहिए। मैं बेसिकली उस पे चाहता हूँ क्या चीज है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दा सबसे बड़ा तो संविधान ही है, संविधान में कहीं भी किसी तरह की छेड़छाड़ या उसकी स्पिरिट के साथ किसी की भी छेड़छाड़ एक राष्ट्रीय मुद्दा है हमारे लिए, उसके किसी भी एंगल पे छेड़छाड़, उसी में लोकतंत्र के साथ जब छेड़छाड़ होती है, चुनी हुई सरकारों को काम नहीं करने दिया जाता, सिर्फ हमारी नहीं दूसरे राज्यों की भी, वो हमारे लिए राष्ट्रीय मुद्दा है। लेकिन सर, आप ये हमारे चर्चाओं में से निकल के आने वाले मुद्दे हैं, और किसी एक पार्टी विशेष की वजह से किस तरह के खतरा पैदा हो सकते हैं उसके मुद्दे हैं, लेकिन हम उसमें कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जोड़ रहे हैं, और मुझे लगता है सारी पार्टियों को उस पर बात करनी चाहिए,
और उसके बिना बात किए बिना बात नहीं बनेगी। मेरी नज़र में, फिर से बोल रहा हूँ, 17 महीने जेल में रहने के बाद और अपने तमाम जो अध्ययन चिंतन मनन मैंने किया उसके बाद, कि अगर हम स्कूल को नंबर वन राष्ट्रीय मुद्दा नहीं मानेंगे तो गलत होगा। सही है, सही है। और मेरे हिसाब से उससे बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा है नहीं, और मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी राजनीतिक सोच सही कह रहे हैं, अनुभव के आधार पर बहुत सीमित हो सकती है, फिर भी मैं मानता हूँ सर दावे के साथ और प्रेजुडाइस के साथ कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मुद्दा यह है कि आज जिस परिवार में बच्चा बैठा है उस परिवार को हम एजुकेशन क्वालिटी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, वो चाहे सरकारी स्कूल में हो या प्राइवेट स्कूल में हो, इससे बड़ा कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। उसको आंसर कर लीजिए, बहुत अपने आप आंसर होगा। एक रैपिड फायर के पास हो जा रहा हूँ, लास्ट रैपिड फायर है, लेकिन उससे पहले दो सवाल। जिससे हमने शो शुरू किया था, पार्टी तोड़ने की बात, आपने एक जगह मेंशन किया कि आपको ये ऑफर दिया गया कि हम केस वापस ले लेंगे, आप इस पार्टी से हट के बीजेपी में आ जाएं, क्या वाकई ऐसा हुआ था? बिल्कुल, मुझे तो जैसा मैंने कहा, एकदम जिस दिन मेरे घर सीबीआई रेड हुई, हर तरह के सिंपैथी रखने वाले लोग आते हैं, जो अपने लोग हैं वो भी आते हैं, जो बहुत थोड़े से न्यूट्रल हैं या दो दूसरी पार्टियों के साथ भी इक्वल संबंध रखने वाले लोग हैं, हर तरह के लोग आते हैं। आके मुझे सीधे सीधे कहा, भाई अब मुझे पता चला है उधर से ईडी की तैयारी हो रही है तुम्हारे, और देख लो कुछ। मैंने कहा बताओ भाई, मैं तो नहीं चाहता कि मुझे परेशान किया जाए। तो 2 दिन बाद मुझे पूछा गया, अभी कितने एमएलए हो सकते हैं आपके साथ, उसी वक्त 2 साल पहले। तो मैंने कहा भाई एमएलए गिनने शुरू करूंगा तो मैं ही नहीं हूँ इस आइडिया के साथ, बाकी की तो मैं क्या बात करूँ। वही बात, वो चैप्टर क्लोज कर दिया हमने। नहीं लेकिन तो फिर वो क्या बीजेपी के नेता थे, कौन थे वो लोग, अब आप नाम क्यों नहीं बताते हैं? अब मैं कहूँ आप थे तो कैसे आप मानोगे? कोई कॉमन, इस तरह के जो लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं किसी तरह का कॉमन एक रिलेशनशिप होता है, वो उधर भी बात कर रहे होते हैं, उनसे भी उनके साथ भी बैठ के उतने ही अपनापन से चाय पी रहे होते हैं जितने अपनापन और प्यार से मेरे पास चाय पीने आते हैं। उसमें से किसी का मैं नाम कहूँगा फिर आप वो करेंगे तो चलिए कोई बात नहीं। अब हम आ रहे हैं रैपिड फायर राउंड पर। मनीष जी ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये है आपके पास यस और नो का बैनर, कैमरा आपको बता, बैठ जाए, वो कैमरा आपका लगा है, यस और नो, और ये लास्ट में इस्तेमाल करेगा, ये है पास। देखिए यस और नो और पास, मैं पहले कह देता हूं कि यस और नो हर सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, आप पास भी कर सकते हैं, और मैं चाहूंगा इसमें प्लीज जरा खूब जोश बढ़ाया जाए हमारे मनीष सिसोदिया जी का, जोरदार तालियां हो। हमारा पहला सवाल आ रहा है, प्ले करिए जरा, तालियों की आवाज कम आ रही है मुझे, जोरदार तालियां हो। पहला सवाल, सुनीता केजरीवाल जी को दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, यस या नो? जरूरत ही नहीं है। ओके, जरूरत ही नहीं है। दूसरा सवाल प्ले करिए, अरविंद जी बाहर आने वाले हैं तो फिर उनकी उनको चुनाव लड़ने की जरूरत। ओके, दूसरा सवाल, तालियों की कमी हो रही है जरा, तालियां हो जोरदार। दिल्ली की जनता राज्य में केजरीवाल और केंद्र में मोदी को पसंद करती है, चुनाव के नतीजे यही बताते हैं। ओके, थोड़ा मैं देख रहा हूं जोश की कमी है थोड़ा। अगला सवाल हमारा प्ले करिए जरा, यहां पर ये देखिए जरा, अगला सवाल, अन्ना आंदोलन के पीछे यूपीए की सरकार ईमानदार थी, ये सवाल है। ओके, नेक्स्ट सवाल प्ले करिए, जो अगला सवाल है वो दिखाइए जरा, अगला सवाल क्या है दिखाइए, अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस का हाथ था, नो। अगला सवाल, जोरदार तालियां जरा प्ले करिए जरा, अगला सवाल हमारा ये है रैपिड फायर में, दिखाइए जरा, दिल्ली में लागू हुई विवादित शराब नीति सही थी, यस या नो? यस। अगला सवाल दिखाइए, हमारा अगला सवाल है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन होना चाहिए, यस या नो? अभी मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है। ओके, पास कर दिया आपने, ठीक है, इसको पास कर दिया उन्होंने। एक और सवाल हमारा प्ले करिए जरा, दिखाइए जरा, मनीष सिसोदिया को दिल्ली का अंतरिम मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरे आखिरी कुछ सवाल, अभी मनीष सिसोदिया जी का क्या प्लान है, दिल्ली को मजबूत करेंगे या चुनावों की तैयारी करेंगे, क्या प्लान है? देखिए, मैं जब से बाहर आया मुझे सबसे पहले कार्यकर्ता मिले, अपने एमएलएज एमपीज काउंसलर्स मिले, और उन सब के प्रेम से, उन सब के मिलने से, जो 17 महीने बाद अपने घर आके परिवार से मिलने वाली फीलिंग मुझे हो रही है, और उन्हीं सब का अनुरोध है कि मुझे उनके मोहल्लों में, उनके गलियों में या उनकी विधानसभाओं में, उनके वार्ड में आके मिलना चाहिए लोगों से, वो चाहते हैं कि मेरे साथ वो यात्रा करें। तो पार्टी के सीनियर लीडर्स के सामने मैंने उसको रखा और उन्होंने माना कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, हमें करना चाहिए।
बाकी फिलहाल तो अगले 15-20 दिन तो मैं यही करने वाला हूँ, उसका आज से शुरू हो रहा है। मनीष जी, सरकार में वापस कब आ रहे हैं? मुझे ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है, ना मेरे मन में ऐसा कोई सवाल है कि मैं सरकार में कब वापस आ रहा हूँ। मुझे हमेशा यही है कि मैं, मेरी उपयोगिता क्या है। आज के समय में मेरी उपयोगिता लोगों के बीच जाने की है, और जिससे मैं शायद पार्टी के लिए भी और उपयोगी हो पाऊंगा। कल को अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, उनको लगेगा कि अभी मैं पार्टी में ही उपयोगी हूं और पार्टी में अच्छा उपयोगिता को पूरा कर रहा हूं। वो उनका और पार्टी के लीडर्स का आदेश होगा कि भाई वहां कर ले, मैं वहीं करना चाहूंगा। मुझको बिल्कुल कोई इच्छा ऐसी मेरे मन में नहीं कि मैं वापस तुरंत सरकार में जाऊं, क्योंकि सरकार में शायद मेरे से ज़्यादा काबिल शिक्षा मंत्री इस वक्त वहाँ बैठी हुई हैं, वो कर रही हैं काम। एक आखिरी सवाल मनीष जी, अरविंद जी, आप, संजय जी, सत्येन जी सब जेल में गए, पार्टी के कुछ नेताओं ने छोड़ दिया पार्टी को, आपके एक लोकसभा जो एमपी थे उन्होंने भी छोड़ दिया, इस फेज में आम आदमी पार्टी ने क्या सीखा? मैं देखिए अंदर बैठा हुआ इस सवाल से, मतलब सीखना तो बाई डिफॉल्ट चलता रहता है, इस सवाल से जूझता रहता था कि यार ये क्या है, क्यों है, तो उसका एक ही जवाब आता था, देखो ये राजनीतिक यात्रा है, इसमें जो जितने दिन साथ दे दे उतना अच्छा है, और जितने दिन दे दिया उसके लिए उसका धन्यवाद है, नहीं दे रहा किसी भी कारण से नहीं दे रहा, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नाइस।